अदिति ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा की धनी हैं। वो गीतकार भी हैं, संगीत कंपोज करने की तरफ भी उनका रुझान है, लेखिका भी हैं, निर्देशक भी हैं, और इस बहुआयामी प्रतिभा की युवा निर्देशिका ने पेश की है अपनी पहली फीचर फिल्म जिसका नाम है भंवर। और वो बात करती है आप अपने दिल की सुने या आप उन दबावों की सुने जो समाज आपकी तरफ लेकर आता है। अदिति ठाकुर अब गुजरात फिल्म फेस्टिवल के लिए जब न्यूजर्सी आई तो उन्होंने कुछ समय निकाला बातचीत के लिए आईटीवी स्टूडियो आने का। पेश है उनसे बातचीत का ये अंश। दो चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगी। मेरे पापा जो कि डॉक्टर है, वो बचपन से मुझे कहते कि बेटा इन एनीथिंग दैट यू डू इन लाइफ देयर इज ऑलवेज 1% इंस्पिरेशन एंड 99% इज परस्पिरेशन। सो मेहनत के बगैर तो कुछ होता नहीं है। मेरे दादाजी थे जिन्होंने मेरे फादर को सिखाया था। मेरे दादाजी लॉयर थे, 86 उम्र साल तक वो प्रैक्टिस करते थे और वो हमेशा कहते थे कि हाइट्स बाय ग्रेट मैन रीच्ड एंड केप्ट वर नॉट अटेन्ड बाय अ सडन फ्लाइट दे व्हेन देयर कंपेनियंस स्लेप्ट वर टॉयलिंग अपवर्ड्स इन द नाइट। सो ये चीज़ें मैंने अपनी आजू बाजू में देखी है और मेहनत का कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव नहीं है वो मैं बहुत मानती हूँ। भंवर बनाने में मुझे 5.5 साल लगे हैं। सब्जेक्ट मेरे पास था, आई डोंट कम फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, तो छोटी छोटी चीज़ें समेटने में, वो माला बनाने में मुझे बहुत काफ़ी समय लगा। 1.5 साल मुझे स्क्रिप्ट लिखने में गया, उसके बाद उसका फाइनेंस ढूंढने में मुझे 3 साल लग गए क्योंकि बहुत सारी जगहों से ऑफर्स आई पर मुझे ऐसा था कि मुझे वही फिल्म बनानी है जो मुझे बनानी है। माई फिल्म इज़ मी, माई फिल्म इज़ माई वॉइस एंड आई थिंक इट्स ऑल्सो अ लॉट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ फिल्म मेकर। अगर आपको आपकी चीज़ अच्छी लगेगी तभी वो लोगों को अच्छी लगेगी। सो इट वॉज अ बिग स्ट्रगल बिटवीन एवरीथिंग, यू नो। सो आई वॉन्ट टू थैंक अदिति जी फॉर सस्टेनिंग दैट स्ट्रगल, क्योंकि आप ट्रेलर भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि यू रेजोनेट विद द स्पिरिट ऑफ भंवर। लेट्स टेक अ लुक। તને ખબર છે છોરી કોણ વેઢી એટલે કે કટપુટલી ચલાવી હકે જેનામાં નવ નવ કળાઓ હોય છોરી એ આવો જાદુગર નિરાળો અને ઘુડસવાર શેણો લિસન તમે પપેટિયર છો પપેટિયર એટલે શું એ તો ખબર છે ને ના નહીં ખબર હોય वाचक लेखक कवि अभिनेता चित्र शिल्प और संगीत वेत्ता भाषा विद बोली का चाहक वो नर पुतली कला का वाहक मारा भवर भाई मा तो आ बधी कलाओ छे अब बद्दुच छे पण आत्म सम्मान क्या छे पैसा क्या छे अरे आटली सुंदर कला तारा मा भरेली है हूं ए ओसु है मानो छो क्या कला बहुत सुंदर छे पण कदाच तुमने देखा तो नहीं लोको समय साथे बदलाय छे बाबू મારે પણ બદલાવ છે યાર બહુ સપના લઈને આવ્યો છું કામળેથી જો ભાવર આ આટલા બધા તારા દેખાય છે ને એ કોઈક ને કોઈક ની કિસ્મત ના જ છે એમાંથી એક આપણો પણ છે બસ એના ચમકવાની રાહ જોવાની છે કેચ લાઇન ઓફ ભંવર વોઝ ધેટ ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સ્ટે અલાઈવ ડુ ધેટ અબાઉટ વિચ યુ આર પેશનેટ ઓર સમથિંગ ધેટ યુ લવ ધીસ ઇઝ અ કી એલિમેન્ટ વિચ સમવેર કનેક્ટ્સ વિથ ઈચ એન્ડ એવરી વન ઓફ અસ अदिति जी सब्जेक्ट जो है वो बड़ा ही सेंसिटिव है एंड इट इज़ वेरी डिमांडिंग क्योंकि इट रिक्वायर्स सर्टन अमाउंट ऑफ सिंसियर अटेंशन टू बी एबल टू अप्रिशिएट इट तो आपके लिए तो कई डायमेंशन से इसके अंदर जुड़ाव था तो एक दो जो रोल आपने प्ले किए उसमें एक रोल था कि जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक किया जो म्यूजिक रिलेटेड बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने नहीं किया वो ऋषिकेश कामिर करने किया है मैंने सॉन्ग्स कंपोज किए हैं अच्छा जी तो सॉन्ग कंपोज आपने पहले भी करती रही हैं नहीं नहीं आई एम एक्चुअली नॉट म्यूजिक कंपोजर पर म्यूजिक का एक शौक है बचपन से और मैं जब भी लिरिक्स लिखती हूँ मुझे ऐसा है कि आई हैव टू हैव अ ट्यून इन माइंड सो माई म्यूजिक एंड माई लिरिक्स दे गो टूगेदर सो वो हो जाता है कुछ गुनगुना के बताएं बनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आई वुड से आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर सो
उसका फिल्म का ही एक गाना है, खुशी मारे ताड़ी बह हाथे, आई कैन सिंग टू लाइन्स फ्रॉम दैट प्लीज. खुशी मारे ताड़ी बह हाथे सो साथे बदतिया किस्मत नो तारो चमक्यो माथे जो टमटम्यो छे राते आ राते खुशी मारे ताड़ी बहाते सो साथे. क्या बात है, बहुत अच्छे. Thank you. बिना संगीत के और तो थोड़ा सा उन्होंने गाया तो भी वो जो एक भाव होता है उल्लास का जो आपके भीतर ऐसी लहरें जगाता है कि आप प्रसन्नता की सीढ़ियाँ छम छम करते हुए चढ़ रहे हो. तो अदिति जी, ये जो प्रसन्नता है वो जब प्रकट होती है या जब उसको एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो उसमें जो एक कंसंट्रेशन वाली बात है जब आपको किसी को कन्वे करना है वो अपने आप में एक अलग तरह का फोकस मांगती है. सो लेट मी सिंप्लीफाई माई क्वेश्चन. जब आप अपने एक्टर्स को बता रही हैं कि आपको क्या चाहिए तो दोनों क्रिएटिव माइंड्स यानी डायरेक्टर का और एक्टर का वो एक ऐसी जगह पर आने चाहिए जहाँ की समझ एक दूसरे तक पहुँच रही हो. वो प्रोसेस आपके लिए कैसा था एज अ डायरेक्टर हु इज डायरेक्टिंग सच अ फिल्म फॉर द फर्स्ट टाइम? इट वॉज अ वंडरफुल प्रोसेस. द मेजर रीजन इज नील इज अ वंडरफुल एक्टर, अ वेरी सेंसिटिव एक्टर, अ वेरी इंटेलिजेंट एक्टर, अ वेरी क्रिएटिव एक्टर and at the same time very humble human being. Neil 10 saal se is industry mein kaam kar raha hai, hamesha hindi serials ki hai usne mainstream, aur ye uski pehli gujarati film hai because he's a gujarati. to mera process I would love to share with you ki Neil ko pasand karne se pehle maine 100 actors ko dekha tha kareeban, aur jaise hi mere casting director ne mujhe Neil ki photograph dikhai I just connected and उसके बाद मैंने उसकी 12/24 करोड़ बाग जी टीवी की सीरियल के करीबन 100 एपिसोड्स देखे एक हफ्ते में. उसके बाद दूसरे हफ्ते में मैंने गुलाल के 100 एपिसोड्स देखे. बिकॉज किसी एक्टर को मैं सिर्फ एक एपिसोड देख के उसकी एक्टिंग टैलेंट जज नहीं करना चाहती थी, मुझे देखना था कि पूरे कैरेक्टर के ग्राफ को इसने कैसे निभाया है पूरी एक जर्नी में. तो आई फाउंड हिम वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स आई हैव सीन नॉट जस्ट इन गुजराती बट आई थिंक as a whole, you know, in Indian actors. So, you, sorry to interrupt, real quick, based on what I see his performance in the trailer, I agree with you because there is certain sense of authenticity and intensity in the way. चलो थोड़ी रोमांटिक. તમે તો બહુ સરસ એક્ટિંગ કરો છો, એક જ વારમાં બધા જ ડાયલોગ્સ યાદ રહી ગયા.